Hello everyone, in this video lecture we will be seeing HRMA protocol, which is hop reservation multiple access protocol, और ये contention based protocol with reservation mechanism का ही एक example है. Now HRMA is a multi-channel MAC protocol which operates with simple half duplex very slow frequency hopping spread spectrum radios. तो सबसे पहली बात तो जो इसमें हमें पता लग रही है वो ये है कि ये हाफ डुप्लेक्स होता है. हाफ डुप्लेक्स का मतलब ओनली ट्रांसमिशन और रिसीविंग इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम, कि एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिशन होगा या रिसीव करेगा डाटा को. एंड इट इज़ बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम विच इज़ FHSS. नाउ इट इज़ अ कोलिजन फ्री डेटा ट्रांसमिशन विच यूजेस रिजर्वेशन एंड हैंड शेकिंग to enable a pair of communication. So it uses what? Reservation and handshaking. So reservation or handshaking mechanism ko use karta hai for transmission. Now in this time slot reservation protocol is used and each channel is divided into L number of frequency channels. Separate frequency channel is assigned to each time slot. सो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, आपके एग्जाम में काम में आएंगे ये चीज़ें. नाउ वी विल सी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रीक्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसको कैसे स्टडी कर सकते हैं. सबसे पहली बात तो इन दिस देर इज़ वन डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी चैनल, ये आपको याद रखने पड़ेंगे. कुछ फ्रीक्वेंसी के मैं आपको यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ. वन डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी चैनल F0 इज़ यूज्ड, और ये जो होता है F0 इट इज़ यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन इन्फॉर्मेशन, कि जितनी भी सिंक्रोनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके ऊपर ट्रांसमिट होती है, एक डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी चैनल जिसको हम बोलते हैं F0. नाउ द रिमेनिंग L-1 फ्रीक्वेंसी चैनल्स, L-1 फ्रीक्वेंसी चैनल्स दे आर डिवाइडेड इंटू M frequency pairs. They are divided into M frequency pairs where M is equals to L minus 1/2. ठीक है, और ये जो फ्रिक्वेंसी पेयर है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं. बेसिकली FI FI star, where I is what? 1, 2, 3 up to M. अब देखो इसमें FI और FI का भी अपना एक मीनिंग है. FI का जो यूज़ होता है इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग हॉप प्रिजर्वेशन पैकेट, दैट इज HR पैकेट. RTS पैकेट, CTS पैकेट एंड डेटा पैकेट्स, कि जो इस पेयर में से पहला फ्रीक्वेंसी है FI उसका यूज़ हम करते हैं हॉप रिजर्वेशन, RTS, CTS और डाटा पैकेट के ट्रांसमिशन के लिए. जबकि जो FI star है, सेकेंड है, इट इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स. ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी का आप इसके अंदर समझ गए हो कि कैसे फ्रीक्वेंसी हम इसके अंदर डिवाइड करते हो, किस फ्रीक्वेंसी का क्या काम होता है. सो बेसिकली तीन फ्रीक्वेंसी, F0 फॉर सिंक्रोनाइजेशन इन्फॉर्मेशन, FI फॉर दिस फोर एंड FI star फॉर एक्नॉलेजमेंट. अब हम इसका देख लेते हैं फ्रेम फॉर्मेट क्या होता है. सो फ्रेम फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से डिवीजन होता है. नाउ द फर्स्ट फ्रेम इज फॉर सिंक्रोनाइजेशन स्लॉट. उसके बाद का जो बाकी का फ्रेम है वो डिवाइडेड होता है कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स में, एम नंबर ऑफ स्लॉट्स में. सो स्लॉट 1, स्लॉट 2 अप टू स्लॉट एम, एंड दिस इज व्हाट द फ्रेम लेंथ. और अब हम बात कर रहे हैं फ्रेम नंबर 1 की बेसिकली. सो दिस इज फ्रेम 1, और जो हर फ्रेम होता है वो फर्दर डिवाइडेड होता है. The frame is further divided into SYN, that is synchronization, HR for hop request, then RTS and CTS. So इन सब के मतलब आपको पता ही है कि क्या क्या होते हैं.
So this is about the hop reservation multiple access protocol, which is HRMA protocol. So इसमें आप अगर कहते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन होता कैसे है, तो सबसे पहले तो जो नोड को डाटा ट्रांसमिट करता है वो लिसन करता है कि उसका HR पैकेट है या नहीं है, दैट इज़ हॉप रिजर्वेशन पैकेट है या नहीं है. अगर हॉप रिजर्वेशन पैकेट मिलता है उसे, वो देखता है कि चैनल फ्री है, तो वो अपना रिक्वेस्ट टू सेंड पैकेट भेजेगा RTS. RTS अगर उस नोड को मिलता है, रिसीविंग नोड को, और उसको रिसीव करना चाहता है डेटा को, तो वो CTS पैकेट भेजेगा. जैसे ही सेंडिंग नोड को CTS पैकेट मिलेगा, उसको पता लग जाएगा कि उसने करंट हॉप को रिजर्व कर लिया, वो अपना डेटा ट्रांसमिशन करना शुरू कर देगा. और ये कब तक चलता रहेगा डाटा ट्रांसमिशन, जब तक कि आपका एक्सचेंज पैकेट एक्सचेंज नहीं हो जाता, सॉरी एक्नॉलेजमेंट पैकेट एक्सचेंज नहीं हो जाता. तो इस तरह से हॉप प्रिजर्वेशन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल काम करता है. सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.